कंपेरिजन व क्यू एंड डिफेक्ट नाउ टू स्टार्ट विथ जो 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 क्वालिटी इंश्योरेंस की जितनी भी एक्टिविटीज है वर्सेज डिफेक्ट दे आर एक्चुअली अपोजिट टू इच अदर मतलब अपोजिट टू इच अदर से मुरादी है मेरी के जो ऑब्जेक्टिव एसक्यू ए का है और जो ऑब्जेक्टिव या जिस चीज के तहत डिफेक्ट आता है ये गोल जोनो के ऑपोजिट है वॉट डज इट मीन और वट डज इट ट्रांसलेट टू इट ट्रांसलेट टू इट के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिक्वायरमेंट का फेज है और रिक्वायरमेंट के फेज के अंदर हमने फॉर एग्जाम्पल एक एस आर एस को लिख लिया अब एस आर एस अगर हमारी ब्लैंकेटली अप्रूव हो गई है ब्लैंकेट अप्रूवल से मेरी मुराद ये है कि नो बडी है हर चीज समझ आ गई है नाउ दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन एक्चुअली ये एक बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है कि किसी ने कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं किया एस आर एस की अंडरस्टैंडिंग में अगर तो प्रोजेक्ट का साइज बहुत ही छोटा है तो देन इट इज मेयरली एक्सेप्टेबल क्योंकि अगर खुदा ना खासा कोई चीज मिस आउट भी हो गई है तो उसका स्केल भी फिर उसी हिसाब से होगा लेकिन अगर प्रोजेक्ट का साइज मिड टू लार्ज स्केल है एंड नो बडी यू वन रेजेज अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल सारी फंक्शनलिटी समझ आ गई है दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की स्टेटमेंट के रिक्वायरमेंट में कोई किसी को कंफ्यूजन ही नहीं है यानी पहले ही कट में यानी पहले ही ड्राफ्ट जो रिक्वायरमेंट का आया है एस का आया है वो इतना परफेक्ट है कि नो बडी है एक्सेप्शन बट दू इजाउट ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑन एस आर एस यू कैन नेवर एवर अचीव अ मिच्योर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड सेम गोस विद मोर डिटेल फॉर द डिजाइन डॉक्यूमेंट के अगर आपने ब्रेन स्ट्रॉमिंग ही नहीं की है रिक्वायरमेंट के ऊपर या डिजाइन के ऊपर तो ये बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है मतलब इसका ये है यू आर एक्चुअली वेलकमिंग इनडायरेक्टली डिफेक्टर डिफेक्ट की जो मेन रूट कॉज है ना वो हमेशा ये होती है कि एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल लिखी और ही और शी हैज कि इट इज करेक्ट रीजन किसी और ने क्वेश्चन रेज नहीं किया क्यू डिपार्टमेंट ने कोई क्वेश्चन नहीं किया टीम लीड ने कोई क्वेश्चन नहीं किया फॉर एग्जाम्पल तो या यूआई की जो टीम है उसने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया तो ये बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है और अगर ये अगर ये आपके प्रोसेस का पार्ट बन जाए मतलब अगर ये कल्चर है कि इफ यू विल आस्क क्वेश्चन देन यू विल नॉट बी टेकन एज अ गुड रिसोर्स तो ये बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है देन पीपल डोंट आस्क क्वेश्चन तो इसका इम्पैक्ट एक्चुअली डिलीवरी पे ये होता है प्रोडक्ट की कि यू एंड अप विद हैविंग मोर डिफेक्ट्स अब ये बड़ी साइकोलॉजिकल चीज है कि कभी भी कभी भी फर्स्ट कट किसी भी आर्टिफैक्ट का हमेशा परफेक्ट नहीं होता बहुत रेयर होता है कि बहुत अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस रिसोर्स है और ही शी हैज हैजिन थ्रू दिस प्रोसेस अलॉट तो वो फर्स्ट फर्स्ट कट में एक ऐसा फॉर एग्जाम्पल साथ ड्राफ्ट शेयर कर दे जिसमें बहुत कम क्वेश्चन हो लेकिन दैट्स अ वेरी रेयर केस बहुत रेयर है मोस्ट ऑफ अ टाइम ये होता है कि जो फर्स्ट कट होता है वो होता ही डिस्कशन के लिए है। और अगर डिस्कशन कोई नहीं कर रहा या अगर डिस्कशन हो भी रही है तो वो वो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हो रही है क्योंकि हमें किसी ने कहा है डिस्कशन करने के लिए तो हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है काउंटर प्रोडक्टिव से मेरी मुराद ये है कि उसका फायदा होने के बजाय नुकसान होगा जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट में ये चीज इतनी टेंजिबल नहीं होती जब आप डिजाइन फेज में जाके डिस्कशन के बगैर डिजाइन फाइनलाइज कर देते हैं एंड आई हेव सीन दैट कैसा होता है तो उसका जो इंपैक्ट कोडिंग पे आता है ना वो बड़ा कॉस्टली होता है यानी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्यूमेंट बना उसको आप चेंज कर सकते हैं बाय फॉर एग्जाम्पल आप उसका टेक्स चेंज कर सकते हैं लेकिन जो कोड है और ऑलरेडी डिवेलप कोड है उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू थिंक अ लॉट सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश के चाहे आपका हाई प्रायोरिटी एरिया है चाहे लो प्रायोरिटी एरिया है यू हैव टू डू डिस्कशंस इवन विद इवन बिफोर कोडिंग कोडिंग कभी भी आपकी मिच्योर नहीं हो सकती अगर आपने थोरो आपने थॉर्डली डिस्कशन ना की हो और अगर हाई इंपैक्ट आपका आपका एरिया है या हाई इंपैक्ट आपका फीचर है वो अगर बगैर डिस्कशन में चला गया तो देन यू आर एक्चुअली आप कह लें यू आर बाईपासिंग क्यू है प्रोसेस आप बेसिकली डिफेक्ट को आप वेलकम कर रहे हैं आप क्योंकि इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आपने प्रोसेस को बनाया है लेकिन इट्स वीक प्रोसेस उसकी कोई मतलब उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है चाहे हाई इम्पैक्ट एरिया है चाहे लो इम्पैक्ट एरिया है क्रिटिकलिटी के हिसाब से आप उसको हैंडल ही नहीं कर रहे यू आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि हमें किसी ने बोला है कि ये प्रोसेस होना चाहिए सिंस वी आर डूइंग इट दिस इज इट तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती